जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये औरत मार्च 8 मार्च के दिन औरत मार्च निकल रहा है और ये किस तरह के स्लोगन है और किस तरह की जो है वो चीज़ें लगाई हैं, नारे क्या लग रहे हैं इनको आप देख सकते हैं। इनके स्लोगन चेक करें, ये किस किस्म के लिबास की बात हो रही है, क्या इनको लिबास पूरा पहनने नहीं दिया जा रहा अपने घर में या इनको पाबंदी है? ये किस किस्म के लिबास की बात कर रही थी? क्या ये कहती है कि हम आधे आधे कपड़े पहन के बाहर निकले और मर्द हमें ना देखें? तो मर्द भी इंसान है, वो क्यों ना देखे? बेसिकली अपने घर से आज़ादी, मुल्क से आज़ादी नहीं, अपने घर से आज़ादी चाहती हैं कि इनको रोक टोक ना हो। देखे नाज़रीन, ये हमारी पुलिस जो है वो माशाल्लाह बापर्दा रह के भी अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी कर रही हैं। तो आखिर ये आज़ादी किस चीज़ की है, हमें तो इतने टाइम में ये समझ नहीं आई कि ये किस आज़ादी की बात हो रही है। घर की चार दीवारी से निकलने की बात हो रही है या मुल्क की आज़ादी या अपने मर्दों से आज़ादी चाहती हैं, हमें इस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई। पूरा विज़िट किया इस औरत मार्च में, ये नहीं समझ आ रही कि ये कौन सी आज़ादी चाहती हैं, कि ये चाहती हैं कि आधे लिबास पहन के बाहर फिरें और मर्द इनको ना देखें, क्या ये वाली आज़ादी है? लेकिन मेरा ख्याल है कि औरत को तो बापर्दा रहने का शौक़ है और वो चाहती है कि मैं चार दीवारी में रहूं और हाउसवाइफ रहूं, मुझे काम ना करना पड़े। पता नहीं ये कौन सी औरतें हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये पाकिस्तानी औरतें हैं, इस्लामी हैं या ये ट्रांसजेंडर हैं, इसकी समझ नहीं आ रही। जो औरत मार्च और आप देख रहे हैं ये क्या तमाशा लगा हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि ये हमारी इस्लामी बहनें हैं और ये क्यों निकली हुई हैं बाहर। ये आप देखें जिस सिचुएशन में ये गुजर रही हैं और जो ये कर रही हैं, क्या इस तरह की आज़ादी होनी चाहिए? क्या इस तरह की आज़ादी औरत चाहती है? मेरा नहीं ख्याल, या तो ये मुसलमान नहीं है। तो ये आप कहना चाहेंगे? जी दिस इज़ बेसिकली खबर।
खवातीन की लिब्रेशन के लिए जो मार्च हो रही है, दिस इज़ द फर्स्ट 4 decades थे पाकिस्तान में वीमेन मूवमेंट की, उसमें एक ये बड़ी पॉजिटिव चेंज आई है। उसमें ये हर शोभा वर्किंग वीमेन से भी रबते में है, और ये जो औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने हर फैक्शन से खवातीन को इकट्ठा किया है, तो हर एक के मसाइल। आप क्या समझते हैं, ये ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं? मैं समझती हूँ कि विजिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 1920 से इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जा रहा है, ताकि हमें रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिले कि हम देखें क्या कुछ हमने अचीव कर लिया, क्या रास्ता आगे, कौन सी रुकावटें और उनको कैसे दूर करें। थैंक यू वेरी मच। आगे को चले जाए।